हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो गाइस, आज यहाँ पे जो रीडिंग मैं कर रही हूँ वो 4th जुलाई बर्न पीपल के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी अबाउट योर फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन, आपका करियर कैसा रहेगा और आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी हर एक डिटेल बात आज इस रीडिंग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर इन शॉर्ट में बताने जाऊँ तो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस रीडिंग में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और गाइस, ये जो रीडिंग होने जा रहा है ये कम्प्लीटली टाइमलेस है, जनरल रीडिंग भी है और ये फॉर बोथ मेल्स और फीमेल्स, हर किसी के लिए है। और मेरे जितने भी रीडिंग्स होते हैं ना गाइस, सारे ही टाइमलेस होते हैं और जनरल रीडिंग भी होते हैं। तो आप लोग जब भी चाहो मेरे जिस भी रीडिंग को रेफ़र कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स, और गाइस आप लोगों को आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ ही रहती है और आगे भी रहेगी। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना और जितना ज़्यादा हो सके ना आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी ढेर सारी न्यू न्यू टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग्स कर पाऊँगी एंड आप लोगों की लाइफ में एक छोटी सी प्यारी सी हेल्प ला पाऊँगी गाइस। तो अभी हम बिना देरी करे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं और जानते हैं गाइस आपका फ्यूचर। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने दो कार्ड्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं आप लोगों के लिए। डेथ का कार्ड है इन रिवर्स में एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इन रिवर्स में। तो पहले गाइस, आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगी एंड उसके बाद हम लोग आपके लव लाइफ के ऊपर सारी बातचीत जो है वो इन डिटेल में करेंगे। तो गाइस, इसी सीक्वेंस को मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। और अगर मुझे आपका पास्ट और करेंट सिचुएशन के बारे में कुछ इन्फो मिलता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो गाइस, आपका जो पास्ट, इवन आपका जो करेंट सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, यहाँ पे आप लोग जो हो आपको एक्चुअल में चेंजेस से डर लगता है गाइस, वो मैं स्ट्रांगली यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। चाहे आप लोग जितना भी बोलो कि हम लोग बहुत मॉडर्न हैं, हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, बट आई डोंट थिंक सो कि आप उतनी आसानी से ढाल पाते हो खुद को, चाहे वो आपके करियर में हो या लव लाइफ में हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन चेंजेस से आपको डर लगता है। आप चीज़ों को पकड़ के रखते हो, इमोशंस को जकड़ के रखते हो। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसे आप मरते दम तक याद रखोगे, भुला नहीं पाओगे, भले ही ऊपर ऊपर से अच्छे से बात कर लोगे या फिर ये जताओगे नहीं, दैट स्टिल यू रिमेंबर दैट थिंग कि जिसने आपके साथ कितना गलत करा था या जो भी। तो गाइस, आप ना मूव ऑन नहीं कर पाते हो, ठीक है, आप चीज़ों को ना अंदर ही अंदर दबा के रखते हो एंड जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है ना, हाई हो जाता है, एट दैट टाइम आपका गुस्सा आता है बाहर। तो वो एक नेगेटिव चीज़ मैं बोलूँगी गाइस, ठीक है, जहाँ पे कि आपको खुद के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। चलो पास्ट में जो हो गया हो गया, कम से कम आप करेंट सिचुएशन में अगर थोड़ा सा खुद के अंदर बदलाव लेके आ जाओगे तो आपका फ्यूचर सुधर जाएगा, ठीक है। जो भी परेशानियाँ आपको फील कर रहे हो ना आप अभी, वो इसीलिए बिकॉज ऑफ योर ओन नेचर, आपका नेचर के कारण ही आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो गाइस, उसी से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर लो आप लोग तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और आपका करियर और फाइनेंस के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि सेम प्रॉब्लम आपको करियर में भी फेस करना पड़ता है, चाहे आप अपने वर्क फील्ड में हो या फिर स्टूडेंट हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना का फल आपको नहीं मिल रहा है, जितना का आप एफर्ट्स डालते हो उतना इनफ है आपके लिए। आप ऐसे सोचते हो कि यार मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही मेहनत करी थी लेकिन उसका फल उतना मुझे नहीं मिला, ऐसा आपका सोच है, ठीक है। और कई हद तक मैं ये चीज़ बोलूँगी आप लोगों को दैट यू आर राइट, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना गाइस, हम बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर लेते हैं लेकिन उसका फल हमें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता आपको पता है? क्योंकि आप चीज़ों को अभी तक लर्न कर रहे हो,
धीरे धीरे लर्न कर रहे हो, एंड जब वो समय आ जाएगा ना, आपको वो पूरा फल आपको मिल जाएगा। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है माय व्यूअर्स। आपकी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने अपनी लाइफ का जो आपका नेचर है हर चीज़ को पकड़ के रखना, उससे अगर आप बाहर नहीं निकलते हो तो थोड़ा दिक्कत तो आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता है एंड फाइनेंशियल लॉस आपको देखना पड़ता है। आपने पास्ट में भी देखा है, चाहे आपका एज जितना भी क्यों ना हो, लेकिन ये चीज़ एक्चुअल में ना पूरे लाइफ टाइम में नहीं रहेगी। मीन्स जैसा आप प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हो, लेकिन हाँ, पैसे थोड़ा आपका खर्च होगा ज़रूर, और लगभग हर कोई करता है गाइस, ये नेचुरल है। और आप थोड़ा पैसा खर्च करोगे फ्यूचर में भी, वो भी मुझे दिख रहा है, लेकिन आप कमा भी लोगे, बिकॉज येस जो वर्ड है ना वो मेरी आंखों के सामने आ रहा है गाइस। सो दिस इज़ जस्ट अ कन्फर्मेशन फ्रॉम डिवाइन दैट यू विल गेट ईच एंड एवरी थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन आपको खुद के अंदर थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा। खुद के नेचर में चेंजेस को अडॉप्ट करो, सिचुएशन को समझो। लेकिन हाँ, आपका एक क्वालिटी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो कि बेटरमेंट के लिए मुझे दिख रहा है, लाइक आप चीज़ों को भुला नहीं पाते हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें पॉजिटिव साइड भी है गाइस। आप ये समझ पाते हो कि अगर उसने मुझे धोखा दिया है तो फिर से दे सकता है या दे सकती है, मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। तो ये एक बात जो आपके मन में रहता है वो सही है गाइस। ठीक है, अगर किसी ने एक बार आपको धोखा दिया, उसके ऊपर फिर से भरोसा करना बेवकूफ़ी ही मानी जाएगी। तो ये चीज़ को मैं आपका पॉजिटिव साइड ही देखूँगी। ठीक है, तो गाइस करियर और फाइनेंस से रिलेटेड अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बतानी चाहूँ तो फ्यूचर में हाँ, आप पैसे कमा लोगे, इंडिपेंडेंट लाइफ जियोगे ज़रूर, लेकिन आप खर्चा भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो अननोइंगली। मीन्स कभी अगर आप बाहर जाओगे तो आपका मन करेगा तो ना चाहते हुए भी आप चीज़ों को खरीद लोगे। तो सिंपल है गाइस, कभी कभार हम लोग ऐसे खर्चा कर भी देते हैं, ये नेचुरल थिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करियर की अगर बात करूँ मैं तो ग्रोथ है, लेकिन गाइस स्लो ग्रोथ है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। अगर शॉर्टकट रास्ता ट्राई करोगे तो ऐसा फंसोगे ना गाइस कि वहाँ से उबर पाना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, तो शॉर्टकट गलत रास्ता यूज़ करके पैसा कमाने की गलती मत करना, वो पैसा टिकेगा नहीं, चला जाएगा। तो मेहनत का कमाओ, मेहनत का खाओ। ठीक है, इंडिपेंडेंट लाइफ आपके नियति में लिखा हुआ है, आप अच्छा खासा अपने लाइफ को फुल्ली इंजॉय करके जीने वालों। मैं इंजॉय इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं सेकंड हाफ ऑफ योर लाइफ को देख रही हूँ आफ्टर योर सैटर्न रिटर्न। आप अपने लाइफ को जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ अपनों के साथ, लाइक दैट। एंड गाइस वो मोमेंट को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो आप जान पाते होगे कि वो मोमेंट कितना ज़्यादा खास होगा आपके लिए गाइस। तो अभी हम आ जाते हैं आपके लव लाइफ के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, जिनके साथ भी आपका घर बसने वाला है, जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, वो बंदा या बंदी जो भी होंगे ना, उनका नेचर जो रहेगा वो आपके नेचर से कंप्लीट ऑपोजिट रहेगा। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हर एक चीज़ को सुलझे हुए करके समानताएं के साथ करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपके जो स्पाउस होंगे या फिर अगर गाइस आप लोग मैरिड हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ये सब चीज़ें आपको रेजोनेट हो रहे हैं या नहीं, और जस्ट फॉर फन आप इस रीडिंग को देख सकते हो गाइस, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे मैं ये एक चीज़ देख पा रही हूँ गाइस दैट आपको एक्चुअली कोई कंट्रोल करे आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप किसी के लिए खुद को बदलना नहीं चाहते हो, आप अपने इमोशंस को किसी के सामने जाहिर करना आपको पसंद नहीं है गाइस, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। एंड इसी डर के कारण शायद आप किसी रिलेशनशिप में नहीं एंटर कर रहे हो, और अगर आपने एंटर करा भी था तो भी वो टूट गया था। और अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो अभी करंट में,
तो भी आपको कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा सा डर है कि कहीं वो इंसान आपके इमोशंस के साथ खेल तो नहीं रहे हैं, क्या वो इंसान आपके लिए सही है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में सेवरल टाइम्स रिपीटेडली चलते रहते हैं, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस। एंड ये लाजमी है, हर एक इंसान के मन में शादी से पहले ये सब ख्याल जो रहते हैं वो आते रहते हैं, इसमें कोई सीरियस बात नहीं रहती है। तो आपके जो स्पाउस हैं, मैं देख पा रही हूँ जिनको नेचर वाइज बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है, कम्पीट करने में उन्हें मज़ा आता है, दूसरों से जीतना उन्हें पसंद नहीं है गाइस, उन्हें दूसरों को हराने में मज़ा आता है। थोड़ा नेगेटिव मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ आप ऐसा बोल सकते हो गाइस, मैं सुगर कोट करके बोल दूँगी, फिर भी आपको उनके साथ रहना है, आपको उन्हें टॉलरेट करना है, तो आपको उनके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बता रही हूँ दैट आपके ये जो स्पाउस है उनका नेचर में ही एक चीज़ रहेगा दैट कोई मेरे से आगे नहीं बढ़ पाएगा, मुझे दूसरों को हराना है, ये चीज़ वो हमेशा अपने माइंड में रखते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे जीतना है। तो उनके माइंड में थोड़ा नेगेटिव साइड है, सेल्फिश आप बोल सकते हो उनको, मैं क्या करूँगा, इस कार्ड्स में ही ये सब दिखा रहा है, ठीक है। जेलस फैक्टर है, अगर दूसरे के पास कुछ चीज़ है तो उन्हें भी वो चीज़ चाहिए, उससे बेटर चाहिए, लाइक दैट डिमांडिंग पर्सन के तौर पे आप उन्हें देख सकते हो, जो चीज़ चाहिए मिस चाहिए, चाहे वो सही रास्ते से हो या गलत रास्ते से हो, लेकिन चाहिए ही चाहिए। और कभी कभार उनके मन में थोड़ा इनसिक्योरिटी दैट लो कॉन्फिडेंस आ जाता है कभी कभार गाइस, जब उनके पास कोई चीज़ उन्हें चाहिए एंड ही और शी इज़ नॉट गेटिंग दैट, ऐसे सिचुएशन में उनको थोड़ा एन्जाइटी का थोड़ा इशू रहेगा, वो स्ट्रेस ले लेते हैं। तो उनका नेचर गाइस मैं यहाँ पे जितना देख पा रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा लो साइड से मुझे दिख रहा है, सेल्फिश है, जेलस फैक्टर है, डिमांडिंग है, जब हताश होते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, उन्हें कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर लोगे गाइस। हाँ एक चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ दैट आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे शादी के बाद भी, बहुत ज़्यादा ही होंगे बिकॉज ऑफ हिज और हर नेचर, क्योंकि आपको उनका नेचर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन आप उनके साथ घर इसीलिए बसाओगे बिकॉज आप उनसे प्यार करते होगे, और जिस चीज़ से आप भागते हो रहा है एडजस्टमेंट्स, वही चीज़ आप करोगे यहाँ पे। तो आपके ये पर्सन ऐसे ही हैं गाइस, क्या कर सकते हैं, और उनका करियर कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा होगा जब आपकी मुलाकात उनसे होगी, लेकिन टाइम के हिसाब से वो मैनेज कर लेंगे अपना करियर, कोई जुगाड़ निकाल के। एक और चीज़ मुझे दिख रही है आपके स्पाउस के अंदर दैट ओवर स्पेंडिंग हैबिट, ठीक है, उन्हें पैसे उड़ाने में खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे पैसे खर्चा ना करने की भी ज़रूरत है ना, वहाँ पे भी जाके खर्चा करके आएंगे। तो उनके अंदर वो थोड़ा क्वालिटी है कि जहाँ पे कि ही और शी रियली लव्स टू स्पेंड टू मच मनी, ठीक है, तो आपके जेब से पैसे बहुत खर्च होने वाले हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, इतना आप समझ लो। और अगर मैं साइंस की बात करूँ तो आपका बंदा या बंदी जो है वो फायर साइन का हो सकता है, एरीज, लियो, सैज, या फिर वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आप लोग वाटर साइन के हो सकते हो गाइस, या फिर गाइस आपके बर्थ चार्ट में ना वाटर कंटेंट का कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा आपका असेंडेंट साइन में, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो है। बिकॉज गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट आपका जो नेचर है ना मेरे व्यूअर्स, ठहराव नहीं है, ठीक है, जैसे कि अगर हम ग्लास में पानी भर के रख देते हैं, थोड़ी सी हलचल कर देते हैं ना तो वो पानी हिलने लगता है, तो इस तरह का आपका इमोशंस है, हिलने लगते हो आप, मीन्स गाइज अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आप दिल से ले लोगे, आप बुरा मान जाओगे, अगर आप किसी ने आप सामने से आके आपकी तारीफ कर दी ना तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, तो इस तरह का आपका नेचर है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो जल्दी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो बहुत जल्दी, तो ऐसा आपका नेचर ही है गाइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालिए हैं ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊँ।
सो पहला कार्ड शिफ्ट एंड चेंज। आपकी लाइफ में कई सारे शिफ्ट या फिर चेंजेस कह लो, उससे आपको गुजर के जाना ही पड़ेगा। ये लिखित है गाइज, ये आपकी नियति में ही है। चाहे आप जितना भी ना ना करो कि नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ रिलोकेट नहीं करना, मुझे वहाँ काम नहीं करना, मैं जहाँ पे हूँ ठीक हूँ, अगर आप ऐसा सोचते भी हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ डेस्टिनी में ही लिखा जा चुका है दैट आपको चेंजेस से गुजरना पड़ेगा, आपको चेंजेस को एडॉप्ट करना पड़ेगा एंड आपको खुद को ढालने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड जब आप वो सब चीज़ें सीख जाओगे ना, आफ्टर दैट क्या होगा ना, आपकी हीलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप एक मैच्योर पर्सन बन जाओगे, दैट इमोशनली मैच्योर। ठीक है, और बहुत जल्दी आपकी मुलाकात होने जा रही है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वो भी कोई एक होमली सेटिंग में। ये घर किसी का भी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपके होने वाले स्पाउस का घर हो सकता है, या फिर आप कहीं अपने फ्रेंड के घर गए हुए हो किसी काम के सिलसिले में, या फिर कोई पार्टी अटेंड करने के लिए, एंड उसी दौरान आपकी मुलाकात आपके होने वाले स्पाउस से हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ना एक प्रोमिनेंट चीज़ मुझे दिख रहा है, दैट घर। एक घर में आपकी पहली मुलाकात आपके होने वाले स्पाउस से होगी ज़रूर। ठीक है, एंड चांसेस आते हैं कि आपका एंड आपके होने वाले स्पाउस का एक कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और वही कॉमन फ्रेंड जो रहेगा या रहेगी, वही आपको एडवाइस देंगे दैट अगर उसे पसंद करता है या करती है तो गो एंड जस्ट टेल हिम लाइक दैट। ठीक है, वो थोड़ा आपको पुश करेंगे, मुझे वैसा फील हो रहा है गाइस। अगर आपकी मुलाकात आपके होने वाले स्पाउस से हो चुकी है, सो यू नो कि किस तरह के सर्कमस्टांसेस में आपने उनके साथ मुलाकात हुई थी आपकी, एंड कैसे ये चीज़ आगे बढ़ी, प्यार आगे बढ़ा। ठीक है, एंड आफ्टर योर फर्स्ट मीटिंग आप दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन रहेगा दैट यू बोथ विल कम टुगेदर, मीन्स कम क्लोज वेरी सून। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, एंड रिश्ते में बहुत जल्दी आ जाओगे आप लोग। ठीक है, और अभी मैं कुछ फीचर्स बताने जा रही हूँ आपके होने वाले स्पाउस के बारे में, जैसे कैसे दिखते हैं, उनका नेचर कैसा है। तो पहले तो गाइस उनकी आंखें जो रहेगी वो डीप डार्क ब्लैक कलर की आंखें होंगी, थोड़ा ट्रेडिशनल लुक मुझे दिख रहा है गाइस। दिखने में खूबसूरत होंगे, हैंडसम या ब्यूटीफुल कह लो, इनोसेंट फेस है उनका, बेबी फेस, जैसे कि उनका एज चाहे जितना भी क्यों ना हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा मासूम काइंड ऑफ फेस रहेगा उनका। इमोशनल इंसान है आपकी तरह, लेकिन उनका जो इमोशंस है ना वो बैलेंस में रहता है, कभी कभार वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बाई चांस। ठीक है, लॉयल रहेंगे आपको, आपके प्रति धोखा नहीं देंगे। और एक चीज़ है गाइस दैट आपका ये पर्सन चाहे जुगाड़ करके अपना काम निकलवाता हो लेकिन लोग उनकी रेस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है ना एट द टाइम एक बंदा या बंदी हमेशा खड़ा रहता है या रहती है, वो है आपके स्पाउस। हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए स्टैंड लेना, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए स्टैंड लेना, ये जैसे कि बचपन से ही वो करते आ रहे हैं। कभी किसी का साथ छोड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता, थोड़े फनी भी हैं, कभी कभार मजाक करना उन्हें पसंद आता है। उनके नीचे में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा गाइस, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होते, बहुत ज़्यादा उदास नहीं होते, लेकिन कभी कभार उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी कभार बाई चांस, लेकिन आप संभाल लोगे गाइस। सो अभी मैं कुछ लव मैसेजेस पढ़ के सुनाने चाह रही हूँ जो कि आपके होने वाले स्पाउस जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की बात जाहिर करना चाहते हैं। यू आर माइंड, सो हियर शी वॉन्ट्स टू टेल यू दैट आफ्टर योर फर्स्ट मीटिंग उन्होंने आपको चूज़ कर लिया था, उनको वन साइडेड लव हो गया था, एंड उन्होंने ये बस अपने माइंड में रख लिया था दैट आप उनके ही हो। आई ड्रीम अबाउट यू एवरी नाइट, हर रात को वो आपके बारे में ड्रीम करते हैं कि आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों
कैसे अपना घर बसाओगे, कैसे बच्चे होंगे, लाइक दैट काइंड ऑफ फैमिली काइंड ऑफ ड्रीम्स उन्हें आते हैं. योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी. जब आप खुश रहते हो ना, एट दैट टाइम उन्हें भी खुशी होती है. एंड वही तो कनेक्शन है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप उनके ही हो, आप उनके लिए आए हो. यू आर माई सोल मेट. आफ्टर योर फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट आपके पर्सन को वो फील होगा दैट ही और शी नोज़ यू. ठीक है, उनको ऐसा लगेगा जैसे कि कई सारी पास्ट लाइफ्स जो है उन्होंने शायद आपके साथ बिताए हैं, इसीलिए उनको अपनापन फील होता है. एंड वो सोलमेट कनेक्शन उन्हें फील होगा. एंड उसी टाइम वो डिसाइड करेंगे दैट आप उनके ही हो. तो गाइस, यहाँ पे सेक्सुअल टैरो कार्ड से भी मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं जस्ट टू नो कि आप दोनों के बीच में वो जो लव कनेक्शन रहेगा वो किस तरह का रहेगा, बॉन्डिंग कैसी रहेगी आप दोनों के बीच में. तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं ऑलरेडी. पहला कार्ड जो आया हुआ है वो है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड. तो मैं यहाँ पे वो चीज़ फील कर पा रही हूँ दैट जिस मोमेंट पे आपका एंड आपके पर्सन का पहली दफ़ा मुलाकात होएगा ना, उस टाइम पे आपका पर्सन जो है आपके स्पाउस या फिर आपके होने वाले स्पाउस, उनको ऐसा फील होगा दैट यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर हिम. उन्हें ऐसा फील होगा, इवन आपको भी सेम टाइप की फीलिंग आएगी. लेकिन यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के साइड से वो फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जहाँ पे कि उनकी नज़रें आपसे नहीं हटेंगी. ठीक है, वो आपको और भी ज़्यादा इन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो, आपके अंदर सारी एबिलिटीज़ है, सारी क्वालिटीज़ है, एंड शायद आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं. उन्हें ऐसा फील होगा, आपके स्पाउस को ऐसा फील होगा ज़रूर. और उन्हें थोड़ा डाउट होगा दैट कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. लेकिन आपके स्पाउस के मन में वो डर रहेगा ज़रूर. उन्हें ये पता नहीं होगा दैट आपके मन में भी उनके लिए उस तरह की फीलिंग्स है. ठीक है, उनको पता नहीं होगा, लेकिन टाइम के हिसाब से सब कुछ चेंज होगा ही होगा. और गाइस, यहाँ पे स्टॉकिंग भी है. आप भी उन्हें स्टॉक कर रहे हो, वो भी आपको स्टॉक कर रहा है, छुप छुप के देखना. बिकॉज गाइस, यहाँ पे आप दोनों का जो फर्स्ट मीटिंग हो रहा है वो कोई घर में हो रहा है. ठीक है, एक रूम में देख पा रही हूँ. यहाँ पे आप थर्ड कार्ड में देख पा रहे हो ना, घर, एक रूम जहाँ पे कि आप हो, आपके पर्सन आ रहे हैं, या फिर आप आ रहे हो, आपके पर्सन पहले से वहाँ पे हैं, जैसे भी क्यों ना हो. लेकिन यहाँ पे आपका मिलना एक रूम में होगा. वो रूम कुछ भी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपके होने वाले स्पाउस का घर हो सकता है, या फिर आपका एंड आपके स्पाउस का एक कॉमन फ्रेंड रहेगा, उसके घर में आप दोनों मिल सकते हो पहली बार. तो इस तरह का एक मुलाकात तय है गाइस आपके लाइफ में. एंड यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं 2, 6, ये प्रोमिनेंट हो सकते हैं. 2 या 6 तारीख को आप दोनों मिल सकते हो पहली बार, या फिर आपके स्पाउस का बर्थ डेट्स हो सकता है, मैरिज डेट्स हो सकता है आप दोनों का. ठीक है, लेकिन प्रोमिनेंट है 2 और 6 नंबर. तो गाइस, यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने. तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो. यहाँ पे और एक तीसरा बंदा या बंदी रहेगा या रहेगी, जो कि आप दोनों को मिलवाने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहेगा. वो कोई भी हो सकते हैं, आपके एंड आपके स्पाउस के कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके कोई भाई या बहन हो सकते हैं, या फिर आपके होने वाले स्पाउस के कोई भाई या बहन हो सकते हैं. लेकिन कोई एक ऐसा इंसान रहेगा ज़रूर जो कि आपको एंड आपके स्पाउस को करीब लेके आएगा या आएगी. और उसके बाद यहाँ पे प्रपोज़ल है. यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है आप देख पा रहे हो, आइधर आप उन्हें प्रपोज कर रहे हो या फिर वो आपको प्रपोज कर रहा है. लेकिन यहाँ पे प्रपोज़ल बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी. यहाँ पे डीले नहीं दिख रहा है मुझे. एंड उसके बाद यू नो व्हाट गाइस, यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो इमोशनली एंड दैट लस्टी वे में, कि आप दोनों उसी दिन डिसाइड करोगे कि आप दोनों रिलेशनशिप में आ रहे हो. यहाँ पे जो थर्ड कार्ड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट जो कपल है एक दूसरे को हग कर रहे हैं कितने प्यार से. ठीक है, एंड वही मोमेंट आप दोनों शेयर करनी चाह रहे हो.
वही प्यारा सा मोमेंट। आप दोनों बहुत अलग हो गाइस नेचर वाइज, पर यहाँ पे इमोशंस जुड़ चुका है, लस्ट है, सब कुछ है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आप नंबर देख पा रहे हो, 5 और 7 वो प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। 5 या 7 तारीख को भी आप मिल सकते हो, ऐसा भी चांसेस है गाइस। और यहाँ पे जो लास्ट सेक्सुअल टैरो कार्ड जो आया हुआ है वो है एस ऑफ सोर्स का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में वो ओपननेस दिख रहा है, जहाँ पे कि आप दोनों कुछ भी एक्सपीरियंस करने से कतराओगे नहीं, हटोगे नहीं। यू बोथ विल शेयर दैट क्वालिटी टाइम बिफोर मैरिज ऑल्सो, जहाँ पे कि आप हैंकअप्स, रोप्स, ये सब का भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे आपके स्पाउस लीड लेते हुए दिख रहे हैं। आप थोड़ा हेजिटेट करोगे, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन आप थोड़ा स्टार्टिंग में यू विल फील दैट शाइनेस, लेकिन समय के साथ आप ढल जाओगे एंड यू विल इंजॉय दैट मोमेंट विद योर पर्सन। और गाइज यहाँ पे जैसे कि जो नंबर है 1, ठीक है, तो 1, 2, 6, 5, 7 ये सब नंबर्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आप दोनों का फर्स्ट मीटिंग हो सकता है या फर्स्ट फिजिकल इंटरकोर्स इसी तारीख में से किसी एक तारीख में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। सो गाइज अभी मैं कुछ करियर कार्ड्स आपको शो करूँगी। तो वो करियर जो कार्ड्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो आपका करियर हो सकता है या फिर आपके होने वाले स्पाउस का करियर हो सकता है, ठीक है। तो गाइस पहला जो है वो है मॉडलिंग सेक्टर, इंटीरियर डिज़ाइनर, कोई भी डिज़ाइनिंग फील्ड में आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, प्रोफेसर, बॉस, मेंटोर, गुरु, वेज शेफ आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, आप वेजिटेरियन हो सकते हो, आपके पर्सन वेजिटेरियन हो सकते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री, नॉन वेज शेफ भी है, शायद आप आपका कोई होटल बिजनेस हो सकता है या फिर आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर आपके मन में ऐसा कोई ख्याल हो सकता है कि नहीं मुझे फ्यूचर में कुछ ऐसा स्टार्टअप शुरू करना है, या फिर आपके स्पाउस के मन में वो ख्याल हो सकता है दैट ही और शी रियली वांट्स टू ओपन वन रेस्टोरेंट ऑफ हिज ओन, जो कि वहाँ के बॉस हो, ठीक है। यहाँ पे आइदर आपके मन में वो ख्याल है कि आपको बॉस की तरह लाइफ जीना है, या फिर आपके पर्सन के मन में वो ख्याल रहेगा कि उन्हें बॉस की तरह लाइफ जीना है। ब्लॉगर हो सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हो, मीडिया बिजनेस रिपोर्टर हो सकते हो, योगा टीचर या फिर जिम ट्रेनर हो सकते हो। यहाँ पे मुझे डॉक्टर, सर्जन भी दिखा, जस्ट अभी दिखा मुझे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहा है, किसी का गैराज हो सकता है आपका या फिर आपके पर्सन का, कंप्यूटर्स, ये सब दिख रहा है गाइस। स्टार्टअप, शायद आपने कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ काम शुरू करा होगा या फिर आपके पर्सन ने करा होगा, या फिर आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल रहेगा या फिर आपके पर्सन के मन में ऐसा कुछ ख्याल रहेगा कि कुछ नया शुरू करना है। और तो गाइस ये जो करियर मैंने आपको दिखाया, जो करियर कार्ड्स मैंने आपको दिखाया, वो करियर आपका हो सकता है या फिर आपके होने वाले स्पाउस का हो सकता है। फिर हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। तो गाइस जिनके साथ आपका घर बसने वाला है, आपके होने वाले स्पाउस का नाम का पहला अक्षर जो है वो वी, एच, एम, जे, एन, क्यू, आर, टी, क्यू, एस, एम, एम बहुत ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है यहाँ पे, ए, ई, एफ, एन, ओ, वाई एंड गाइस जेड, ठीक है। आई नो जेड से ज़्यादा नाम इतने नहीं होते, लेकिन जैन, ठीक है, ऐसा थोड़ा यूनिक नाम रहेगा आपके स्पाउस का, बहुत ही यूनिक, ठीक है, छोटा नाम होगा लेकिन यूनिक रहेगा।
फिर हम देखते हैं कुछ डेट्स। तो अभी जो डेट्स मैं आपको शो करूँगी ये आपके होने वाले स्पाउस के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में से किसी एक डेट में आपकी उनके साथ मुलाकात हो सकती है, या फिर आपका शादी का जो डेट रहेगा वो इन्हीं डेट्स में से किसी एक डेट में होगा ज़रूर गाइस। तो वो डेट्स हैं 6, 17, 29, 18, 26, 11, 16, 21, 25, 7, 8, 4 and 3। तो गाइस ये था रीडिंग आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी जो रीडिंग्स होते हैं वो रेजोनेट करते हैं या फिर आप लोगों को सुनना ही अच्छा लगता है गाइस, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। तो गाइस सपोर्ट दिखाओ और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ ही रहेगी। सो टेक केयर एंड बी सेफ, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।